आज इंदौर में पहली बार आर्मी डे पर भारतीय सेना अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। सेना ने प्रदर्शन के लिए हथियारों की खेप दशहरा मैदान पर उतारी, बल्कि बड़े बड़े टैंक मैदान में खड़े कर दिए। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए स्कूली बच्चों को न्योता भी दिया गया। सेना के हथियारों को देखने के लिए बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा देखी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। सभी लोग सेना के हथियारों के साथ तस्वीर लेने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। जानकारी के अनुसार 13 जनवरी की रात से ही सेना के जवानों और हथियारों की खेप आना शुरू हो गई थी। महू से लगातार गाड़ियां आने लगी, जिन्हें देखकर आसपास के रहवासी चौंक गए। कुछ लोगों ने जिज्ञासा के चलते पूछ लिया, तब जाकर राहत की सांस ली। मौजूदा फौजियों ने बताया कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। दो टैंक सहित कई बख्तरबंद गाड़ियां पहुंची, जिसमें हथियार थे। वहीं संस्था लक्ष्यजीत के संयोजक लोकेंद्र सिंह राठौर व राज सिंह गोड़ भी मौजूद थे। आयोजन में सहयोग के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने भी अफसरों की बैठक बुलाई थी। राठौर के मुताबिक प्रदर्शनी के दौरान स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की जाएगी, जिसको लेकर सभी स्कूलों को आमंत्रण दिया गया है। दशहरा मैदान पर होने वाले आयोजन को लेकर हिंद रक्षक संगठन के गर्भों में अष्टमी के दिन मुख्य अतिथि के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनंत नारायण व सत्यनारायण सत्तन थे। महू से बड़ी संख्या में फौजी व ट्रेनी मेजर भी आए थे। सत्तन और राठौर ने लेफ्टिनेंट जनरल अनंत नारायण से आग्रह किया था कि देशभर में कई जगह पर सेना अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाती है, इसलिए इंदौर में भी ये प्रदर्शनी लगाई जाए। तब लेफ्टिनेंट जनरल अनंत नारायण ने आर्मी डे पर हथियारों की प्रदर्शनी लगाने पर सहमति दी थी, जिसके लिए विभाग व गृह मंत्रालय से अनुमति ली गई। इंदौर में पहली बार आर्मी डे पर भारतीय सेना अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रही है। सेना ने प्रदर्शन के लिए हथियारों की खेप दशहरा मैदान पर उतारी है। मौजूदा सैनिकों ने बताया कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। भारतीय सेना द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी संस्था लक्ष्यजीत जो है, उन्होंने यहाँ पर भारतीय सेना को आमंत्रित किया था, हमने प्रपोजल किया था कि इस टाइम की प्रदर्शनी आप यहाँ इंदौर शहर में लगाएं, और भारतीय सेना ने हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई है। और इस प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे आप देख रहे हैं, बड़े जोश खरोश से जो भारतीय सेना के वो हथियार जो युद्ध में काम आते हैं, जिन हथियारों के दम पर हमारे सैनिक पूरे जोश खरोश के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उन हथियारों का डिस्प्ले यहाँ पर हो रहा है, जिसमें टैंक भी है, मशीन गन है, एडीएमजी है, एमएमजी है, मोर्टार है, रॉकेट लॉन्चर है, तोपे हैं, सारे सब तरह के हथियार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और 5 दिन तक लगातार ये प्रदर्शनी यहाँ चलने वाली है। आप खुद ही देख रहे हैं कि चारों तरफ भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं देखने, और चूंकि इंदौर में पहली बार ये हो रही है तो लोगों की उत्सुकता भी है, और सेना के प्रति लोगों के मन में विशेष सम्मान प्रेम और श्रद्धा का भाव है ही। लोगों को ये लाभ पहुंचाने के लिए और भारतीय सेना को यहाँ तक लाने के लिए आप लोगों को कितना कोशिश? हमें काफी प्रयास करना पड़ेगा। आगे भी आयोजन किए जाएंगे? हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में भी लगातार ये। भारतीय सेना के लिए क्या कहूँगा? भारतीय सेना के लिए मैं यही कहूँगा कि पूरे देश की जनता उनके साथ है, और देश की जनता के मन में हमारी भारतीय सेना के लिए काफी सम्मान, काफी प्रेम और काफी समर्पण। कितने बंदे हैं, लोग कितने ही, ऐसा नहीं कि ज्यादा होंगे कम नहीं।
सर मतलब आर्मी नेवी सब में ये क्वालिटी रहती है कि वहाँ पर अलग रहता है, वहाँ पर भी रेजिमेंट वगैरह चलते हैं नेवी वगैरह में, बस अपने आर्मी में सिर्फ आर्मड रही है इसके बाद क्या हमें फायर करते रहे ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर इसका फायर गिर रहा है वहाँ पर थोड़ी धूल वगैरह उड़ेगी, हमें पता चल जाएगा कि फायर इफेक्टिव है या नहीं, सही फायर हो रहा है या नहीं, इसके बारे में ना क्या पता। इसकी रेंज कितनी है? 1700 मीटर रेंज है, मतलब एक्यूरेट है? एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट। इससे हम क्या 1700 मीटर तक डायरेक्ट फायर भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो हमें कोई टारगेट दिखाई ना दे रहा हो, जैसे ये बिल्डिंग के पार कोई बैठा है उसके ऊपर अगर हमने फायर करना है उसके ऊपर भी हम फायर गिरा सकते हैं, इफेक्टिव फायर, इसका ग्रेनेड वहीं पर जाके गिर गया, इसके लिए ऑटोमेटिक गन क्या है उसके अंदर क्या है 30 ग्रेनेड का बेल्ट होता है, उसको कॉक करने के बाद क्या है ऑटोमेटिक फायर होता है, डायरेक्ट एम लेके क्या है इसे हम डायरेक्ट एम टू फायर भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट फायर भी, ट्रिगर है अगर हम लगातार ट्रिगर को प्रेस क्या सेटिंग मतलब इसका कितने सेकंड में होता है एक फायर के बाद दूसरा फायर? अगर आपने एक सेकंड के लिए ट्रिगर को प्रेस किया तो 5 से 10 ग्रेनेड इसके फायर हो जाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।